हेलो दोस्तों, आज बना रही हूँ तिल के साथ एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए, मैंने ले लिए हैं तिल, ये 150 ग्राम तिल लिए हैं मैंने और ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ किए हुए हैं। और इनको मैं डाल लेती हूँ कढ़ाई में और इनको भून लेंगे अच्छे से। तब तक इनको भूनेंगे जब तक ये चटकने लगें, डांस करने लगें, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए, उछलने लगते हैं ना जब ये तिल, इसका मतलब आपके तिल जो हैं वो भून चुके हैं, फूल चुके हैं। तो ये देखिए, भूनते भूनते मुझे हो गई हैं, 5 मिनट हो गई हैं। और इनको ना लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो बस देखिए, धीरे धीरे चलाते चलाते अब ये भुन चुके हैं, कलर चेंज हो गया है इनका। तो ये तिल तैयार हैं, बस अब हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए। तो इनको मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में ताकि ये ठंडे हो जाएं। तिल को ठंडा होने के लिए रख देते हैं भुनने के बाद। तो अब मैंने क्या किया है, अब मैंने ले लिया है गुड़। 150 ग्राम हमारे तिल थे तो मैंने 200 ग्राम के करीब गुड़ लिया है, 200 ग्राम गुड़ ले लिया है। अब मैंने ले लिया है कढ़ाई में 1/2 कप पानी लिया है और इस पानी में हम डाल देंगे अपने गुड़ को और इसको मेल्ट होने देंगे। तो धीरे धीरे इसको मेल्ट करेंगे हम और इसको लो फ्लेम पर ही करेंगे, नहीं तो गुड़ जो है ना वो अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो पहले ही इतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा कि आपकी रेसिपी बन नहीं पाएगी। तो बस इसको धीरे धीरे हम मेल्ट करते रहेंगे, गाढ़ा करेंगे इसको। ये देखिए, गुड़ मेल्ट हो गया है और गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। तो इसको देखेंगे हम कितना गाढ़ा करना है। तो मैंने देखिए, एक कटोरी में पानी ले लिया है, इसमें गुड़ को डाल के देखते हैं। तो ये देखिए, गुड़ जो है ना हमारा जमने लगा है, लेकिन हमें अभी इससे थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। तो अभी हम इसको और करेंगे, थोड़ी सी इसमें कसर है अभी। तो फिर से गुड़ को चलाते जाएंगे, लेकिन फ्लेम को लो ही रखिएगा आप। मैंने 2-3 मिनट गुड़ को और चलाया है। तो बस अब देखिए क्या करती हूँ मैं। तो ये देखिए, मैंने स्लैब पर थोड़ा सा तेल लगाया था और उस पर मैं ये गुड़ डाल के देखती हूँ। तो ये देखिए, गुड़ जम गया है, ऐसे फेंकने पर देखिए आवाज़ आ रही है इसके और टूट भी रहा है ये आसानी से, ये देखिए। तो बस इस स्टेज पे हमने क्या करना है, थोड़ा सा और चला लेंगे गुड़ को और क्या करेंगे हम इसमें अपने तिल को मिक्स कर लेंगे। बस इस टाइम क्या करना है, हमको तिल को ना फटाफट से मिक्स करना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो किसी की हेल्प ले लीजिए और फटाफट से इसको मिलाना है हमने, नहीं तो ना ये यहीं पे जम जाएगा आपकी कढ़ाई में ही, आधे तिल तो यहीं वेस्ट हो जाएंगे। तो बस फटाफट से इसको हमने मिक्स करना है और उसके बाद मैंने लगा लिया है, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैंने स्लैब पे ही ऑयल लगा लिया है, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा चकला नहीं है। अगर आपके पास कोई बड़ा हो, बोर्ड हो, तो आप उस पर बना लीजिए, लेकिन मैं इसी पर बना रही हूँ, मुझे इस पर ही कम्फर्टेबल लगता है। तो स्लैब पर मैंने ऑयल डाल लिया था और उसके ऊपर मैं अपना तिल वाला मिक्सचर डालती हूँ और इसको बेलन से ना, बेलन के ऊपर भी आप ऑयल लगा लेना अच्छे से, और इसको इस तरीके से हम फैला देंगे। ये देखिए, बिल्कुल पतला पतला फैलाना है हमने, मोटा नहीं फैलाएंगे। और इसको कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई शेप देनी है, आड़ा तिरछा जैसे बने आप इसको शेप दे दीजिए, पतला बेलना है बस हमने इसको। बस थोड़ी देर में ये सूख जाएगा और ये देखिए, अब आप कहेंगे ये तो चिक्की बन गई। हाँ, चिक्की बनानी हो तो आपको इसी तरीके से बनेगी, लेकिन मैं चिक्की नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ गज्जक। तो ये देखिए, चिक्की को अब हम क्या करेंगे, हमने ले लिया है एक मिक्सी का जार और इसमें हम इसको इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे और इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो बस अब हम पीस लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 3-4 चम्मच ऑयल। आपको अपनी गज्जक जितनी सॉफ्ट चाहिए ना, उतना आप ही डाल लीजिए। आप चाहें तो 2 चम्मच में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 4 चम्मच में भी इसको बना सकते हैं। तो बस इसमें अब हमने डाल दिया है अपना पिसा हुआ तिल वाला मिक्सचर और इसको अच्छे से मिलाएँगे 2-3 मिनट के लिए, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर इसमें कोई टुकड़ा रह गया है ना आपका चिक्की का, तो उसको आप निकाल दीजिएगा, वो नहीं तो टेस्ट को बेकार कर देगा। बिल्कुल ये चूरा ही होना चाहिए, इसे ही लेंगे और अच्छे से इसको देखिए हमने मिक्स कर दिया है, 3-4 मिनट हो चुके हैं। तो बस अब हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ। अब मैंने ले लिया है एक, ये देखिए, बॉक्स ले लिया है। आप चाहें तो आपके पास अगर ट्रे हो, आप ट्रे ले लीजिए और उसमें मैंने लगा दिया है बटर पेपर। थाली में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके का कोई ट्रे या बॉक्स हो तो ही लीजिएगा, इसमें थोड़ा आसान हो जाता है हमने इसको फैलाना, इसको सेट करना। तो बस इसमें हम डाल देंगे अपने इस मिक्सचर को
और इसको इस तरीके से सेट करेंगे, दबा दबा कर ना ऐसे सेट कर देंगे। घी डालने से ना इस गजर में बहुत शाइनिंग भी आती है और अच्छी भी बनती है, कलर ही चेंज हो जाता है इसका। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है दबा दबा कर, और इसके ऊपर से अब हम डाल देते हैं कटे हुए बादाम। आप चाहे पिस्ता भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं। तो मैंने पिसे हुए बादाम ले लिए हैं और बादाम को मैं इसके ऊपर ऐसे डाल देती हूँ। ये देखिए सेट हो गई है हमारी। इसको थोड़ा सा और हम दबा दबा कर इन बादाम को इसमें सेट कर देंगे। तो ये देखिए गज्जक सेट हो गई है और इसको हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए 1 घंटे बाद ये सेट हो चुकी है। निकाल लेते हैं अपने बटर पेपर को, बस अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। जैसी शेप में आप चाहें उस शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये लीजिए कटिंग भी हो चुकी है। तो ये देखिए हमारी गज्जक बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी लगती है ये गज्जक, मार्केट में तो आपने देखी ही होगी लेकिन आज मैंने बनाकर देखी, घर का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर।